नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यायामे सर्वदा पथ्य है। इस पाठ का पांचवां श्लोक हम पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं पांचवां श्लोक। तो नै च एनम सहसा आक्रमे जरा समधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। तो जानते हैं वृद्धावस्था, जरा मीन्स वृद्धावस्था, चे जो चे नाम है, ये जो शब्द है इसका यहां पर संधि विच्छेद करके लिखा है चे प्लस एनम, जिसे हमें अर्थ स्पष्ट हो जाए। एनम, एनम का मतलब होता है इसको, मनुष्य को। कौन से मनुष्य को? व्यायाम करने वाले मनुष्य को। चे, चे का मतलब और। अब देखिए ध्यान से, जरा वृद्धावस्था और चे जरा वृद्धावस्था, सहसा आक्रमे अचानक आक्रमण करके, सहसा आक्रमे अचानक आक्रमण करके एनम इस व्यायाम करने वाले मनुष्य को, ने नहीं समधि रोहती का मतलब दबा पाता है, दबा पाता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता है। फिर एक बार देखेंगे, जरा वृद्धावस्था सहसा आक्रमे अचानक आक्रमण करके, सहसा आक्रमे अचानक आक्रमण करके एनम इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, ने नहीं समधि रोहती दबाता है, समधि रोहती दबाता है। वृद्धावस्था अचानक व्यायाम करने वाले व्यक्ति में नहीं आती है, अर्थात वृद्धावस्था व्यायाम करने वाले मनुष्य को परेशान नहीं करती है। दूसरी लाइन, व्यायाम अभिरतस्य चे, और निरंतर व्यायाम करने वाले मनुष्य का मान सम्मान, स्त्री भवती मजबूत होता है, परिपक्व हो जाता है, ये अर्थ है इस श्लोक का। अब एक बार और देख लेंगे, एक एक शब्द के बारे में हमने जाना, अब एक बार और देखिए जिससे समझ में आ जाएगा। ये जो चे नम है इसका संधि विच्छेद दिया है, चे मीन्स और, जरा वृद्धावस्था, सहसा आक्रमे अचानक आक्रमण करके एनम इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, ने नहीं समधि रोधी दबाता है, और व्यायाम अभिरतस्य से, और व्यायाम में लगे रहने वाले मनुष्य का मान सम्मान स्त्री भवती स्थिर होता है, परिपक्व होता है या मजबूत होता है। अन्वय, जरा चे और वृद्धावस्था सहसा क्रमे अचानक आक्रमण करके एनम इस मनुष्य को, नए समधि रोती नहीं दबाता है। वृद्धावस्था अचानक आक्रमण करके इस मनुष्य को नहीं दबा पाती है, अर्थात वृद्धावस्था नहीं आती है। व्यायाम अभिरतस्य चे, और व्यायाम में लगे रहने वाले मनुष्य का मांसम चे, और मांस स्त्री भवती स्थिर होता है, मजबूत होता है, परिपक्व होता है। शब्दार्थ देखिए, चे एनम और इसको, सहसा अचानक आक्रमे आक्रमण या हमला करके, जरा बुढ़ापा, आक्रमे में आ प्लस क्रिम प्लस लप प्रत्यय होता है आक्रमण का। समधिरोति, समधिरोति का मतलब आता या दबाता है। स्त्री भवती परिपक्व हो जाता है। मांसम मांस, व्यायाम व्यायाम में, अभिरतस्य लगे हुए रहने वाले का। हिंदी अनुवाद, और इस मरणशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, नहीं दबाता, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व हो जाता है। संधि देखिए, चे एनम का संधि विच्छेद होगा चे प्लस एनम।
व्यायाम अभिरतस्य, यहां पर व्यायाम प्लस अभिरतस्य दीर्घ संधि, शेषाक्रमे शेषा प्लस आक्रमे दीर्घ संधि, प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, प्रकृति प्रत्यय विभाजनम देखिए, आक्रमे आक्रमे में औपसर्ग क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, आक्रमे आक्रमण करके, स्थरी स्थिर और गीप प्रत्यय, विप्रिय पदानी मतलब विलोम शब्द, पदानी विप्रिया, जरा का मतलब वृद्धावस्था, यौवनम जवानी, अधिरोति का अपोजिट वर्ड अवरोहति, अधिरोति का अपोजिट क्या होगा अवरोहति, यहां पर भी यौवनम का अपोजिट, जो अपोजिट का चिन्ह लगाना थोड़ा भूल गए हैं, देख लेते हैं अभी, स्थिर अस्थिर एक बार फिर देखेंगे, स्थिर अस्थिर, अधिरोहति अवरोहति, जरा यौवना, पर्याय पदानि, जरा वृद्धावस्था और वार्धक्यम वृद्धावस्था, आक्रमे आक्रमण करके और आक्रमणम कृत्वा आक्रमण करके, अभिरतस्य संलग्नस्य, ये हैं पर्याय पद। अब देखेंगे प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, जरा वृद्धावस्था शेषाक्रमे अचानक आक्रमण करके कम न समधीरोति, किसको नहीं दबाती है, व्यायामीनम व्यायाम करने वाले को, कम के स्थान पर क्या आएगा व्यायामीनम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जरा वृद्धावस्था शेषाक्रमे अचानक आक्रमण करके न समधीरोति, नहीं दबाती है, कस्य मानसम स्थिर भवति, किसका मानस स्थिर होता है, व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम करने वाले का, देखिए यहां पर श्लोक में व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम करने वाले का मानसम स्थिर होती, मानस स्थिर होता है और वृद्धावस्था जरा सहसाक्रमे अचानक आक्रमण करके कम समधीर होती, किसको नहीं दबाता है, एनम इसको, इसको किसको, व्यायाम एनम व्यायाम करने वाले को, ठीक है व्यायाम। अब दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिनम व्यायाम करणेन के लाभा भवन्ति, प्रतिदिन व्यायाम करने से के कौन कौन से लाभा भवन्ति लाभ होते हैं, प्रतिदिनम व्यायाम करणेन, प्रतिदिन व्यायाम करने से जरा वृद्धावस्था शेषाक्रमे अचानक आक्रमण नहीं कर पाती है, और क्या होता है, व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम करने वाले का मानसम से मांस स्त्री भवती स्थिर होता है, मजबूत रहता है, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देखिए, जरा से शेषाक्रमे एनम न समधीर होती, इत्यस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम अस्ति, जरा चे और वृद्धावस्था शेषाक्रमे अचानक आक्रमण करके एनम इस मनुष्य को न समधीर होती, नहीं दबाता, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, तो यहां पर कर्तृपद होगा जरा, अत्र क्रियापदम किम अस्ति, यहां क्रियापद क्या है, तो साथियों यहां पर क्रियापद होगा समधीर होती, वार्धक्यम इत्यस्मिन अर्थे, वृद्धावस्था इस अर्थ में कैस शब्द है, कौन सा शब्द है, अत्र प्रयुक्त, यहां प्रयोग किया गया है वृद्धावस्था के अर्थ में, यहां पर जरा शब्द का प्रयोग किया गया, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, जरा से शेषाक्रमे एनम न समधीर होती, और वृद्धावस्था अचानक आक्रमण करके इसको नहीं दबाती है, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहां पर अव्यय पद किम नास्ति, क्या नहीं है, यहां पर अव्यय पद न, ये क्या है, न अव्यय पद है, शेषा ये भी अव्यय पद है, और चे ये भी अव्यय पद है, तो यहां पर बताया गया कि अव्यय पद कौन सा नहीं है, जरा च और वृद्धावस्था शेषाक्रमे अचानक आक्रमण करके एनम न समधीर होती, इसको नहीं दबाती है, अत्र यहां अव्यय पदम अव्यय पद किम नास्ति, क्या नहीं है, तो यहां पर अव्यय पद जरा नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।